हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऐशमय विद्यालय। माई सेल्फ फिरदौस शेख। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू इन स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 5। द टॉपिक इज द 7 पीस 10 ग्राम। ओके, सो इन आवर प्रीवियस वीडियो वी वर लर्न अबाउट द 5 पीस 10 ग्राम। नाउ टुडे वी लर्न द 7 पीस 10 ग्राम। सो लेट्स स्टार्ट। हियर इज़ द पिक्चर ऑफ अ 7 पीस 10 ग्राम। यहाँ पे जो आप पिक्चर देख रहे हो 7 पीस 10 ग्राम का है, बिकॉज देयर इज अ 7 पीसेस, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। टोटल पीसेस आर 7, सो द नेम ऑफ दिस पजल इज 7 पीस 10 ग्राम। यू कैन कट आउट दिस पीसेस एंड पुट देम टूगेदर इन डिफरेंट वेज टू मेक सम वेरी इंटरेस्टिंग शेप। अब आपको क्या करना है, ये 7 पीस 10 ग्राम कट करके आपको इंटरेस्टिंग शेप्स बनाने, बट डोंट कट फ्रॉम दिस साइड, लुक एट योर बैक साइड ऑफ द बुक, लुक एट हियर 7 पीस 10 ग्राम। ओके, सो कट दिस फ्रॉम हियर एंड यूजिंग हियर फॉर मेक अ डिफरेंट शेप्स। नाउ ट्राई मेकिंग दिस शेप। अब आपको जो 7 पीस 10 ग्राम है ना, उससे ये वाले शेप आपको ट्राई करने हैं। सो कीप हियर लाइक दिस शेप्स एंड एनी अदर कीप हियर, देन अगेन यूजिंग द एनी शेप्स ऑफ लाइक दिस एंड कीप हियर एंड ट्राई टू, क्या करना है, ट्राई करना है टू मेकिंग दिस शेप। ये सब शेप बनाने का आपको ट्राई करना है, वो 7 पीस 10 ग्राम कट करके फिर बाद में उसे यहाँ पर यूजिंग करना है। ठीक है, नाउ ट्राई मेकिंग द फॉलोइंग शेप्स यूजिंग ओनली द पीसेस रिटर्न हियर। अब यहाँ पे जो फॉलोइंग शेप दिए हैं वो आपको बनाने हैं, लेकिन द रूल्स इज यूजिंग ओनली द पीसेस रिटर्न हियर, यानी यहाँ पे जो लिखे हुए पीसेस के नंबर है वही पीस आपको यूज़ करने हैं, वही नंबर के पीस आप यूज़ कर सकते हो। नंबर 1, यूज ओनली ट्राइंगल्स मीन्स फ्रॉम द 7 पीसेस पजल्स ओनली टेक अ ट्राइंगल शेप्स एंड यूजिंग हियर एंड मेक दिस शेप। कंडीशन इज दिस। नाउ द सेकेंड इज यूज पीसेस 1, 2, 3 एंड 5। अब कौन से पीसेस यूज करने हैं, द नंबर ऑफ 1, नंबर ऑफ 2, नंबर ऑफ 3 एंड नंबर ऑफ 5। मीन्स दैट नंबर ऑफ 1, नंबर ऑफ 2, नंबर ऑफ 3, 4 एंड 5, मीन्स इतने ही आप यूज कर सकते हो। यू विल नॉट यूजिंग द 6 एंड 7 नंबर, ओनली यूज द 1 to 5 नंबर एंड ट्राई टू मेक दिस शेप। नाउ द नेक्स्ट इज यूज ओनली 2 ट्राइंगल्स। अब यहाँ पे सिर्फ 2 ट्राइंगल्स आपको यूज करके ये शेप्स बनाना है, मीन्स यहाँ पे आपको रखनी है वो शेप्स और आपको देखना है कि कैसा शेप्स बनता है कि नहीं बनता। नाउ यूज पीसीज 1, 2, 3, 4 एंड 5। नाउ यूज द पीसीज नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड ट्राई टू मेक दिस स्क्वायर शेप। ओके, सो इट इज़ द फन चाइनीज पजल, सो डोंट फॉरगेट टू डू दिस एंड एवरी वन डू दिस पजल, चाइनीज पजल गेम इन योर वर्कबुक। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज वेविंग पैटर्न। ओके, अब क्या है, तो वेविंग पैटर्न है, लुक एट हियर वेविंग पैटर्न। गोलू एंड बीनू वेंट टू द मार्केट विद देयर आंट। अब क्या होता है कि गोलू है और जो बीनू है वो उनकी आंटी के साथ कहाँ में गए थे, बाजार में, मार्केट में गए थे। दे सो मैनी रग्स, वहाँ पे वो लोग ने क्या देखा, तो बहुत सारे रग्स, यानी जो गालीचे होते हैं जो हम लोग लगाते हैं ना हमारे फ्लोरिंग पे, वो वाले उन्होंने वहाँ पे देखे। विच ज्योमेट्रिकल शेप्स, वाओ सो मैनी कलर्स, गोलू सेज वाओ सो मैनी कलर्स, वाह कितने सारे कलर्स हैं। एंड बीनू सेज सो मैनी शेप सर्कल ट्राइंगल सी द पैटर्न्स। वो क्या कह रही है, और देखो कितने सारे शेप्स है, सर्कल है, ट्राइंगल है, उनकी पैटर्न्स देखो। नाउ विच ज्योमेट्रिकल शेप्स कैन यू आइडेंटिफाई इन दिस बॉर्डर्स। अब आपको कहना है कि ये बॉर्डर्स के अंदर आपको कौन से ज्योमेट्रिकल शेप्स आप इसमें पहचान सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो सर्कल, ओके, स्क्वायर, ऐसे कौन से आप ज्योमेट्रिकल शेप है वो आप पहचान सकते हो। ड्रो देम इन योर नोटबुक, और उनको कहाँ पे ड्रॉ करना है, जो भी अपने शेप्स पहचाने हैं उसे कहाँ ड्रॉ करोगे आप, इन योर नोटबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी शेप रिपीटिंग इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, विच वंस। अब ये जो शेप्स है इसमें से कोई भी एक शेप्स
क्या बार बार रिपीट हुआ है, एक ही शेप बार बार रिपीट हुआ है, तो रिपीट हुआ है वो शेप कौन सा है, विच वन, रिपीट होने वाला शेप कौन सा है। आर द शेप्स मेड ऑफ कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन, बोथ कर्व एंड स्ट्रेट लाइन। अब जो जो शेप्स हैं वो किसके बने हुए हैं, कर्व लाइन के बने हैं, स्ट्रेट लाइन से बने हैं, कि बोथ कर्व एंड से कर्व एंड स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन दोनों से बने हैं, वो आपको फाइंड आउट करना है। लुक एट योर क्लोथ्स, योर मदर साड़ीज, शॉल्स, रग्स एंड मैट्स, कैन यू आइडेंटिफाई सम पैटर्न्स, ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। अब आपको क्या देखना है, तो आपके क्लोथ्स देखने हैं, आपकी मम्मी की साड़ी देखनी है, रग्स देखने हैं, जो गलीचा होता है ना वो देखना है, फिर मैट्स देखनी है वो देखो, और फिर कौन सी उसमें पैटर्न है, कौन से शेप है, वो आपको पहचान, आप पहचान सकते हो, और आप पहचानते हो तो उन्हें कहाँ ड्रॉ करना है, आपकी नोटबुक के अंदर। ओके, लुक एट हियर फ्लो पैटर्न्स, यहाँ पे कौन सी पैटर्न है, तो फ्लोर की पैटर्न है। हैव यू एवर सीन अ फ्लोर विच हैज़ डिज़ाइन, ये टाइप की जो डिज़ाइन जिसमें फ्लोर में पैटर्न हो, ऐसा फ्लोर जिसमें पैटर्न्स हो, वैसी डिज़ाइन आपने कहीं देखी है। डू यू नो हाउ दिस डिज़ाइंस आर मेड, और ये कैसे बनाई जाती है, क्या आपको पता है। दिस डिज़ाइन आर मेड बाय कवरिंग द फ्लोर कम्प्लीटली विथ अ स्मॉल टाइल्स दैट फिट इन टू ईच अदर विदाउट एनी गैप्स। और कैसे ये कैसे बनाई जाती है, तो ये जो पैटर्न है वो फ्लोर पर इस टाइप से बिछाई जाती है कि जिसके टू टाइल्स के बीच में भी थोड़ी सी भी गैप नहीं हो, बिल्कुल क्लोज टच टू टच ये टाइल्स बिठाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द शेप्स ऑफ दिस टाइल एंड सी हाउ इट फिट्स। और यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कैसे उसको एक साथ बिठा सकते हैं, वो पैटर्न हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखो दिस वन फिक्स हियर एंड इट इज़ फिक्स विथ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगी, ऐसे बनाई जाती है। नाउ वी यू रिमेंबर दैट इन आवर स्कूल का कैंपस वी सी द लाइक दिस फ्लो पैटर्न, हमारे जो स्कूल का कैंपस है उसमें हमने ऐसी पैटर्न देखी है ना जो फ्लोर पे है, ठीक है, जहाँ पे हम ड्राइंग कंपटीशन और सब करते थे, दैट इज़ द फ्लो पैटर्न, यू रिमेंबर दैट, यस। सी नाउ लुक एट दिस टाइल विथ सिक्स साइड्स, अब ये टाइल्स देखो जिसकी सिक्स साइड्स है। सी हाउ टाइल्स ऑफ दिस शेप कैन कवर द फ्लोर कम्प्लीटली विदाउट एनी गेप, और यहाँ पे देखो कि कोई भी टाइप्स की यहाँ पे गेप नहीं है, और उसको एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली कैसे की है, फिक्स की है विदाउट एनी गैप्स, बिल्कुल भी दोनों के बीच में गैप नहीं है, वैसे उसको फिक्स की है। ओके, सो दैट इज़ द ब्यूटिफुल फ्लो पैटर्न। ओके, नाउ वी स्टॉप हियर, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू अबाउट दिस एक्सरसाइज, सो लर्न दिस चैप्टर प्रॉपरली एंड वी विल लर्न इन द नेक्स्ट वीडियो अगेन, सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।